अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रियासत अली ख़ान। नाज़रीन, सीएम केसीआर सुनहरा तेलंगाना बनाने का सपना धीरे धीरे अमल में ला रहे हैं। जैसा कि आप इस वक्त उन्होंने सेहती शोबे को बड़ी तेज़ी तरजीह दे रहे हैं। नाज़रीन, उसी की तर्ज पर बस्ती दवाखाना हर बस्ती में खोल रहे हैं। आज AIMIM की कामयाब नुमाइंदगी पर यह बस्ती दवाखाना छावनी डिवीज़न में आया है। आइए इस बस्ती दवाखाने के बारे में जानते हैं, उसमें किस तरह के टेस्ट है, दवाइयाँ वगैरह और एरिए के लोगों की राय क्या है इस बस्ती दवाखाने को लेकर, आइए जानते हैं। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं बस्ती दवाखाने में जो डॉक्टर हैं उनसे पूछते हैं कि किस तरह के टेस्ट यहाँ पर मुहैया कराते हैं और टाइमिंग्स क्या है और यहाँ पर मेडिसिन क्या क्या मुहैया कराए जाते हैं। आइए डॉक्टर साहब से मिलते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका नाम बताइए। डॉक्टर अस्मा फिरदौस जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर किस तरह के टेस्ट लोगों को यहाँ पर मुहैया कराते हैं? पूरे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, BP, शुगर, सब। एक्सरे वगैरह डॉक्टर साहब यहाँ पे होते हैं? एक्सरे एक्सरे नहीं होते तो यहाँ पर एक्सरे नहीं। और यहाँ पर पेशेंट्स कंसल्ट करने के लिए टाइमिंग्स क्या टाइम पे यहाँ पर पेशेंट आ सकते हैं डॉक्टर साहब? 9 to 4 PM के बीच में आ सकते हैं। 9 to 4 यहाँ पर पेशेंट आकर आपको बता सकते हैं। अगर इन केस कोई दूसरी बीमारी डायग्नोज हो गई या कोई हो गई तो उसके लिए फर्दर और कोई डॉक्टर्स यहाँ पर मुहैया कराए जाते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, हम लोग एरिया हॉस्पिटल को रिफ़र कर देते हैं। कोई इमरजेंसी आ गया, कोई एक्सीडेंट केस, ऐसा कोई भी सडन कुछ है, सडन ट्रीटमेंट लेना है तो हम लोग एरिया हॉस्पिटल को यहाँ से रिफ़र कर देते हैं। तो अब हमने देखा है कि यहाँ पर मेडिसिन भी मुहैया कराते हैं पेशेंट्स को, तो वो किस किस बीमारी के लिए, कौन सी बीमारी के लिए, छोटी बीमारी जैसा सर्दी खांसी, वो किन किन बीमारियों के लिए आकर यहाँ पर बस्ती के लोग लेके जाते हैं ना? जनरल ट्रीटमेंट्स देते हैं, BP, शुगर, नॉर्मल जो भी फेरेंजाइटिस रहता, जो गले बुखार, सर्दी एंड ऑल, जो भी नॉर्मल है, हम टैबलेट से ट्रीट करने वाले डिसीजेस हम यहाँ पे ट्रीट करते। और यहाँ पर जैसा कि आप देखते हैं तकरीबन लोगों में BP, शुगर, थायराइड है, तो वो रेगुलर बेसिस पे उनको मेडिसिन खाना पड़ता है, तो वैसे लोग यहाँ पर आके मेडिसिन लेके जा सकते हैं रेगुलर बेसिस? हाँ जी, ज़रूर यहाँ पे कर सकते हो। पेशेंट शुगर है, BP है, उनको रोज़ाना तौर पर दवा लेना पड़ता है, तो वैसे लोग अपनी महीनावारी पे आके दवा लेके जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बोलता तेलंगाना को आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आपने बोल गया, बहुत अच्छा हुआ, नहीं था तो आपने गरीब अच्छा था आपने बोला आप लोग, और ऐसा साहब का शुक्रिया, बहुत बहुत ऊपर साहब का शुक्रिया, बलाड़ा साहब का शुक्रिया, केसर अन्ना का शुक्रिया, गरीब होंगे लिए अच्छा बोला। दूर जाना था तो आपने भी जाना पड़ता था, यहाँ गरीब खोला था आपने, अच्छा है, हर किसी के लिए दवा चाहिए, खांसी बुखार सर्दी हर को लिए सब दुनिया से शुक्रिया। बताता हूँ, हमारे एरिया में पहले तो बस्ती दवाखाना था नहीं, हमारे को बहुत परेशानी होती थी, बहुत ज़माने से नहीं था, आज खुलने से हमारे को सहूलत हो गई, नहीं तो हमारे को दूर दूर जाना पड़ता था। अब इससे फ़ायदा ये हुआ, हमारे घर में लेडीज़ वगैरह है तो आसानी से जा सकते हैं। हम इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं तेलंगाना के हमारे KCR साहब के, उसके बाद हमारी मजलिस जो हमारी पार्टी है, हमारी हमारी जान है, असद साहब के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और बलाला साहब के भी, और हमारे शाहिद सलाम साहब के भी, और बस्ती मेंबर के भी, हमारे लिए बहुत काम करते हैं, बहुत शुरू से करते हैं। मजलिस की हम बहुत तहे दिल से हम इज़्ज़त करते हैं, हमारे बड़े हैं वो उनका काम बहुत ही हमारे लिए सराहनीय है, हम बहुत इनकी इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह उनको तरक्की दे, बरकत दे इंशाल्लाह, और सीटें बढ़ा दे पूरे हिंदुस्तान में उनकी जो हुकूमत कर दे, हम यही दुआ करते हैं हर वक्त। बस्ती दवाखाना जुम्मे के दिन ओपन हुआ, माशाल्लाह से पेशेंट की लाइन रह रही, देख रहे हैं आप भी, हम भी देख रहे हैं। खाली यहाँ पे क्लिनिकों पर गए तो BP का टेस्ट कराने गए तो 50, शुगर टेस्ट 100 रुपये, माशाल्लाह से फ्री हो रहा, और बाजू जो बस्ती है, तेलुगु बस्ती है ना है, सो फ्री कर रहे हैं, और माशाल्लाह से अच्छा इलाज हो रहा, डॉक्टर भी कोई अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर्स है बोल के बता रहे थे। मैं पैदा हो गया 60 साल हो गया यहाँ बस्ती में, पहली बार ये दवाखाना खुला है, बहुत ज़बरदस्त, हमारे बलाला साहब और हमारे सलमान सर की जिस्तों से मेहनत से यहाँ बस्ती के बहुत लोग खुश है, और हमको डबिलपुरा दरवाजे के पास जाना पड़ता था, डबिलपुरा दवाखाने को सरकारी दवा वहाँ जाना, उतनी दूर जाना पड़ता था, अब बस्ती के करीब हो गया, हर फिरके के लिए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए फ़ायदा हो रहा है, और हमारे इसमें सलमान सर की बहुत जुस्तजू है, और हमारे अहमद साहब, बलाला MLA साहब की, समझो, असद साहब की बहुत मेहरबानी की वजह से बस्ती वाले बहुत खुश है भाई, शाहिद भाई, समझे,
बस्ती दवाखाना खुलने से इधर बहुत अच्छी सहूलियत हो गई है। पहले जो बहुत परेशानी होती थी, दूर जाना पड़ता था, पहले या तो दबीपुरा के ब्रिज की उस तरफ जाना पड़ता था लोगों को, या कुरमागुरा जाना पड़ता था। यहाँ कुछ भी फैसिलिटी पहले नहीं थी। अब हमारे बलाना साहब, एसएस साहब है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन लोगों की बदौलत यहाँ बहुत अच्छा हो गया। सबको अच्छे से सहूलियत मिल रही है, सबको अच्छे से प्रॉब्लम का हल हो रहा है। यहाँ पे जो भी आ रहा है उनकी बीमारी वगैरह का सबका अच्छे से इलाज भी कर रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ की दवाई भी अवेलेबल है। चला दवाखाना मंचा खुला है, मंचा खुला ही अंदर की सहूलत हुई मंचा अंदर की। जो दवाखाना को दवा कोवाल दवाखाना चूपी अगर दूर हो चूपाले ईड मं दर मंच दवाखाना खुलाई अंत मं पर्वे केसीआर साहब बलाल साहब अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप लोगों के आप लोगों का शुक्रिया जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे बस्ती में। बलाला साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे बस्ती में। आज तक 60 साल से नहीं हुआ था उतना बड़ा काम हुआ है हमारे बस्ती में। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती थी, कोई ऐसी बीमारी आई तो इधर उधर भागना पड़ता था। हमारे बस्ती में दवाखाना खुल गया, गरीब गुरबा है यहाँ पैसे खर्च नहीं कर सकते। आप जो दवाखाना डाले बड़ी मेहरबानी, बलाला साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मंजिश के थ्रू बहुत बड़ा काम हुआ है, हम इसकी मानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को बड़ी सहूलत मिली है बस्ती दवाखाने से। और आइंदा जो है ना, शाहिद साहब का भी बहुत बड़ा एहसान है, उनका भी जो है ना मैं शुक्रगुजार हूँ कि बहुत बड़ा मेहनत से काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारे वास्ते बहुत सहूलत मिली है। हमारे को लेडीज़ को बहुत बड़ी सहूलत मिली है, जो पैदल जा सकते हैं यहाँ पर, बगैर खर्चे के काम होता है हमारा। हमारे बगैर पैसे के दवा मिलती, कोई रिक्शे का किराया नहीं, बस का किराया नहीं, आसानी से पैदल जाके दवा ला लेते हम लोग। हमारे को बड़ी सहूलत मिली, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम एहसान गुजर है आपके। हम नहीं बोल सकते आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं हमारे वास्ते बस्ती में। बस्ती में नियाती बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे को, हमारे वास्ते अच्छा काम कर रहे हैं। मंजीत बहुत बड़ा काम कर रही, और बलाला साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बलाला साहब के साथ हमारे कारपोरेटर साहब बिशाइन साहब भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारी बस्ती में रोडा पड़ रही, कई कई कामा हो रहे हैं, अच्छे कामा बहुत हो रहे हैं। इतनी बड़ी रोड डाल रहे हैं हमारे पास मंजिस वाले, इतनी बड़ी रोड डाल रहे हैं। मंजिस का बहुत बड़ा एहसान है जो काम हो रहा है यहाँ पर हमारे पास। और बस्ती वाले जमात को तरक्की दे अल्लाह, उनको और जो है ना तरक्की दे। हमारे सालार साहब को बहुत तरक्की दे, सालार साहब बेइंतहा मेहनत कर रहे हैं हमारे वास्ते, और हम उनके साथ हमेशा रहेंगे, मंजिस के साथ हमेशा हैं और रहेंगे। और सालार के सभी फर्जंद भी कर रहे हैं, सालार साहब भी कर रहे हैं, अकबर साहब भी कर रहे हैं, पूरी मंजिस लगी हुई हमारे पास, मंजिस का हमेशा गुजार है। अस्सलाम वालेकुम भाई, माशाल्लाह अच्छा काम हुआ जो बस्ती दवाखाना यहाँ पे दल के। नहीं तो प्रॉब्लम था अपन को, उधर जाना पड़ता था, नहीं तो स्टेशनगंज जाना पड़ता था। अब चुटमुट जो भी बच्चे बीमार हुए यहाँ का यहीं चला जवा था, यानी कि बहुत अच्छा काम हुआ माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन काम हुआ अपने महल में। केटीआर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, असद साहब का शुक्रिया, हमारे बलाला साहब का शुक्रिया, शाहिद भाई का शुक्रिया हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करे यहाँ पे माशाल्लाह, इंशाल्लाह और भी होगा। हमारे सलमान सर का, यानी कि बहुत जो करे दुस्तजु सलमान साहब, वहाँ पे पहले कब्जा करके बैठ गए थे, यानी कि पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। मलकपेट में छावनी डिवीज़न में काफ़ी अरसे से बस्ती दवाखाने की काफ़ी कोशिश चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मजलिस की हिदायत पर जनाब अहमद बलाला साहब ने काफ़ी कोशिशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे के दिन शाह कॉलोनी गाँव कमेला में बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन अमल में आया। इससे काफ़ी लोगों को महल्ले के अतराफ के जो सलम बस्ती के एरिए के लोग हैं, जैसा बाग़ जहरा है और गुड्डी बॉडी है, वहाँ के लोगों को काफ़ी जो सो इस दवाखाने से आसानी हुई है। कई लोग आकर यहाँ पर दवाखाने में बीपी शुगर का चेकअप करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छा देख रहे हैं। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे MLA मलकपेट जनाब अहमद बलाला साहब का, और सदर मजलिस का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हल्के मलकपेट में 19 दवाखानों का इनाग्रेशन किया है अब तक बस्ती दवाखाने का, और आगे भी और मुकम्मल दवाखानों का अहमद बलाला साहब कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना यहाँ पर कंसल्ट डॉक्टर की राय और यहाँ के बस्ती के लोगों की राय, और लोग तहे दिल से जनाब KCR साहब का और एरिया MLA जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और कॉरपोरेटर शाहिद सलाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि उन्हें यहाँ बस्ती दवाखाना आने से सहूलत हो गई है। उन्हें यहाँ पर शुगर, थायराइड, BP जैसे टेस्ट और उनके दवाइयाँ काफ़ी हद तक राहत मिल रही है, और इससे पहले ये दवाखाना आने से यहाँ पर नहीं था। लोगों को डबलपुरा जाना पड़ता था या एरिया हॉस्पिटल या फिर कुरमागुड़ा जाकर उन्हें अपना टेस्ट और इलाज वगैरह कराना पड़ता था।
आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। अपने दोस्त रियासत अली खान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।